हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी त्रौली आजमगढ़ के चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आइए आज हम भारत का भूगोल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक पर एक नजर डालते हैं। आइए देर न करते हुए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल में। सतलज नदी का उद्गम होता है भाखड़ा नांगल हरी के बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है। किससे संबंधित है? सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर संबंधित है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां है। कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा, जो पूर्व की ओर बहती है। जबकि नर्मदा ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम किससे होता है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जिसका मुहाना अरब सागर की ओर है। गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है? नर्मदा नदी कहलाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, जो बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम होता है। कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद किससे होता है और कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल व पुंडुचेरी के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी जल विवाद होता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1997 से कृष्णा नदी जल विवाद होता है। लवणी नदी के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी जानी जाती है। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता वह कौन सी नदियाँ हैं? जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है सतलज, सुजागा और घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक, इन सब नदियों का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। हरिद्वार और वाराणसी पटना है, गंगा के तट पर है। दिल्ली आगरा और मथुरा कहाँ स्थित है? यमुना के किनारे। लुधियाना फिरोजपुर है, सतलज नदी के किनारे है। आइए अब देख ले रहे हैं हैदराबाद कहाँ स्थित है? मुसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। श्रीनगर जो कश्मीर में पड़ता है झेलम नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन कहाँ पर स्थित है? छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन हमारा स्थित है। कोटा राजस्थान स्थित है। चंबल नदी के किनारे स्थित है। हमारा अयोध्या स्थित कहाँ है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हमारे भारत भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। हमारा अनुभव कैसा लगता आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।